Good morning to all of you. So today our topic is basics of cryopreservation. Basics of cryopreservation. तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं कि cryopreservation है क्या. Cryopreservation of sperm consists of storage of the semen at a temperature of -196°C. In order to stop sperm metabolism, thus increasing cell longevity. अगर simply बात करें तो cryopreservation actually process है sperm banking का या sperm freezing का, यानी पर वो अमल जिसमें ऐसी sperms के bank में रखना आयो, यानी sperm के freeze करना आयो. So simply the process of sperm banking at a temperature of -196°C is known as cryo preservation. Okay. अच्छा, why we do this? क्यों करते हैं पान यो छो कंदा आयूं? In order to preserve the species, especially endangered species, or for the diffusion of the genetic material from breeders considered superior. समझ में बात को? Is it okay? यानी दूसरे अल्फाज में कहें तो क्रायो प्रिजर्वेशन का एक एम ये भी है कि हम नस्लों को बचा सकें, महफूज कर सकें और सुपीरियर जो ब्रीड्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उनको जो है वो ट्रांसफर कर सकें एक जगह से दूसरी जगह या कंट्री टू कंट्री और कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट. ओके, ये टेक्नोलॉजी अगर हिस्ट्री वाइज देखें तो दिस टेक्नोलॉजी वॉज इनिशिएटेड इन 1948 by the discovery of the glycerol as a cryoprotective cell substance by the Cambridge scientist in England. yani jaise hi cambridge ke science danon ne glycerol ko discover kiya to is technology ki shuruaat ho gayi aur wo bhi 1948 mein. acha, shuru mein ye jo research thi that was focused on the cryopreservation of bovine spermatozoa. yani jab ye स्टडी की जा रही थी या इसका जो इनिशिएट हुआ वो हुआ बोवाइन स्पर्मेटोजोआ की क्रायोप्रिजर्वेशन से. ओके, यानी बोवाइंस के अंदर शुरू में बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिली थी जबकि इक्वाइंस में इतनी अच्छी खासी रिजल्ट्स जो थी वो हमें ना मिल सकी थी. ओके, एंड बिकॉज क्यों नहीं मिली थी इक्वाइंस के अंदर, बिकॉज देयर स्पर्मेटोजोआ वर मोर सेंसिटिव टू द फ्रीजिंग प्रोसेस. तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑब्टेंड हुई विद क्रायोप्रिजर्व्ड इक्वाइन सीमन वो हुई थी तकरीबन 1957 के बाद जब एपिडिडाइमल स्पर्म्स जो थे उनको क्रायोप्रिजर्व करके फिर उन जो है वही स्पर्म्स था करके यूज किए गए फॉर द टू इम्प्रेगनेट अ इक्वाइन फीमेल. ओके, तो 1957 से पहले ये क्रायो प्रिजर्वेशन का जो अमल था या ये जो टेक्निक थी ये टेक्नोलॉजी थी दैट वाज फेल्ड इन द इक्वाइंस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रायो प्रिजर्वेशन, ये तस्वीरें दी हुई हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द प्रेजेंटेशन, आप थोड़ा अंदाजा भी इनमें से ले सकते हैं. तो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर ये स्टेप्स आ जाते हैं, पहले डाइल्यूशन, कूलिंग, फ्रीजिंग, थाइंग, यानी कितने हुए 1, 2, 3, 4. ठीक है, मस्ट रिमेंबर द फिनोमेना व्हिच कॉजेस डैमेज टू द स्पर्म ड्यूरिंग क्रायो प्रिजर्वेशन वो कौन सा है. एक तो कोल्ड शॉक, जब फ्रीज करेंगे हम तो कोल्ड शॉक का खतरा हो सकता है स्पर्म को. ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन इफेक्ट एंड इंट्रासेल्यूलर आइस फॉर्मेशन. ये तीनों जो इफेक्ट हैं ये स्पर्म की जो लाइफ है उसको डैमेज कर सकते हैं, स्पर्म को डैमेज कर सकते हैं. ओके, नो प्रिंसिपल ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर थोड़ी बात करें तो याद रखिएगा, थोड़ा रुकते हैं बिकॉज द आसान इज कंटिन्यू. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें ये समझेंगे कि एक चीज याद रखिए कि जो नॉर्मली होता क्या है के ड्यूरिंग फ्रीजिंग प्रोसेस. ठीक है, समझ रहे हैं, थोड़ा इमेजिन करें जब हम सीमन को फ्रीज कर रहे हैं तो एट दैट टाइम एक्स्ट्रा सेलुलर आइस इज फॉर्म्ड. ओके,
अब थोड़ा जस्ट इमेजिन करें, जब एक्स्ट्रा सेलुलर आइस बन जाएगी तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? यस करेक्ट, जो अंदर अनफ्रोजन मीडियम है वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इज इट ओके? यस। अच्छा, अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ गया तो बेटा कदीर अब क्या होगा? यस, नाउ इट विल पुल मोर वाटर आउट ऑफ द सेल, क्योंकि अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया है, अब ज्यादा से ज्यादा पानी को खींचेगा बाहर की तरफ, यानी पानी जो है वो सेल से बाहर, स्पर्म से बाहर, स्पर्म सेल से बाहर आना शुरू करेगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट विल बी इंक्रीज्ड इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलरली, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी एज वाटर फ्रीजेस। थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्मली क्या होता है, आइस बनती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है, जब आप सीमन को फ्रीज कर रहे हैं तो उस टाइम पर आइस बन जाती है, ठीक है। अब आइस बन गई लेकिन सेल के बाहर, अब बाहर आइस बनी है तो अंदर क्या होगा, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड इंट्रा सेलुलरली विद इन अनफ्रोजन मीडियम, इससे क्या होगा, दिस विल लीड मोर एंड मोर वाटर आउट ऑफ द सेल, इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी को ये पुल आउट करेगा बाहर की तरफ, दिस विल ट्रन पुल मोर एंड मोर वाटर आउट ऑफ द सेल, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा पानी सेल के बाहर आना शुरू होगा। नाउ नेक्स्ट, अब क्या होगा, अगर जस्ट इमेजिन करें ये भी प्रोसेस हो रहा है, इसके नतीजे में ये होगा कि अंदर पानी जब बाहर आ गया तो अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलरली भी साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जब बाहर भी पानी जैसे आया और उसने फ्रीज होना स्टार्ट कर दिया, इज इट ओके? यहां तक समझ गए आप, तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन समझना बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आते हैं, अच्छा अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ा जस्ट इमेजिन करें, अगर आपने रैपिड फ्रीजिंग कर दी, यानी आपने फ्रीजिंग का प्रोसेस डॉक्टर साहब बढ़ा दिया, तो क्या होगा, या करेक्ट, फ्रीजिंग बढ़ाएंगे तो दैट में काज स्ट्रक्चरल डैमेज बाय द इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन, आइस क्रिस्टल्स अंदर चले जाएंगे और अंदर आइस बन जाएगी, इससे क्या होगा, सेल डैमेज होगा यानी स्पर्म डैमेज होगा। अच्छा, अगर स्लो फ्रीजिंग करें, बहुत ज्यादा स्लो करें, तो क्या उसका कोई नुकसान होगा? यस होगा, उससे क्या होगा, दैट में लीड टू द प्रोटीन डैमेज यानी कि सॉल्यूशन इफेक्ट। सो हेंस इट इज प्रूव्ड कि स्पर्मेटोजोआ सर्वाइवल डिपेंड करता है अपॉन द ऑप्टिमम कूलिंग रेट, इज इट ओके? आइडियल कूलिंग रेट पे ये डिपेंड करता है, वो कैसे, जब आप ठीक से कूलिंग करेंगे यानी कि ना ज्यादा ना कम बल्कि आइडियल, तो उससे क्या होगा, दैट रिजल्ट इन लेस इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन, लेस इंट्रासेलुलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड लेस श्रिंकेज ऑफ द सेल्स, इज इट ओके? यानी नुकसान कम होंगे, दूसरे अल्फाज में कहें। नाउ स्पर्म शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग एंड थाइंग इफेक्ट, स्पर्म को हम फ्रीजिंग और थाइंग इफेक्ट से कैसे बचा सकते हैं, वो बचा सकते हैं हम बाय द एडिशन ऑफ द ग्लाइसिरोल टू द मीडिया। अगर आपको याद हो तो सीमन प्रोसेसिंग में हमने ये पढ़ा है, डिस्कस किया है कि ग्लाइसिरोल इज द क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट जो कि स्पर्म को कोल्ड शॉक इंजरी से बचाता है एट द टाइम ऑफ फ्रीजिंग, ओके? नाउ फिजियोलॉजी ऑफ द क्रायो प्रिजर्वेशन, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स आर इन्वॉल्वड इन द सीमन फ्रीजिंग, ओके, ये तो है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सीमन फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या होगा, या आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू होंगे, क्रिस्टल्स पाएंगे। आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलरली, द क्वेश्चन इज व्हाई, या करेक्ट, बिकॉज इट इज मोर नियर टू द लिक्विड नाइट्रोजन वेपर्स देन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। भाई अगर आग लगेगी तो जो पहले आएंगे उनको जलाएगी ना, समझ रहे हैं बेटा बात को, जैसे एयर कंडीशन चलता है तो जो सामने बैठे हुए होते हैं पहले ठंडे वो होते हैं और जो पीछे बेचारे बैठे होते हैं उन्हें जो गर्मी में हाल जो कहो बेहाल थी वेंदो आ, इज इट ओके? तो आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलरली, आइस के क्रिस्टल्स पहले एक्स्ट्रा सेलुलरली बनते हैं, क्यों बनते हैं पहले एक्स्ट्रा सेलुलरली, बिकॉज इट इज मोर नियर टू द लिक्विड नाइट्रोजन वेपर देन इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, इज इट ओके? जस्ट लाइक अगर आप ऐसी के
सामने बराबर बैठेंगे तो आपको ज्यादा हवा लगेगी, जैसे कार में होता है, हम बैठते आगे वाले को अच्छी हवाएं लग रही हैं, वो उसको ठंडा हो जाता है, और पीछे जो बैठे होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। इसे ठोके नो वी नो आइस इज अ प्योर वाटर, यस। और आइस का फार्मूला क्या है? या करेक्ट इज टू एज आइस फॉर्मेशन अकर्स, जैसे ही आइस बनती है द कंसंट्रेशन ऑफ द अनफ्रोजन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विल इंक्रीज। तो जो अनफ्रोजन फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक। आइस क्रिस्टल्स डू नॉट इंटर इंट्रासेलुलरली, लेकिन इस स्टेज पर आइस के क्रिस्टल्स जो हैं वो बनते हैं, वो अंदर दाखिल नहीं होते। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ इट इज हाइपरटोनिक कंडीशन आउटसाइड द स्पर्म सेल, क्योंकि आइस क्रिस्टल्स बन चुके हैं, आइस इंट्रासेलुलरली बन रही है, एक्स्ट्रा सेलुलरली बन रही है, तो कंडीशन क्या होगी? सेल के बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। हाइपरटोनिक हमें पता है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम। अगर आउटसाइड द स्पर्म सेल हाइपरटोनिक कंडीशन आए तो छात्र दो, दिस में लीड टू द पास ऑफ इंट्रा फ्लूइड्स, जो अंदर वाली फ्लूइड्स होंगी वो बाहर आना शुरू करेंगी। कैसे? बाय द ऑस्मोसिस, बिकॉज वी नो ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी अब पानी अंदर ज्यादा है तो ज्यादा जहां होगा वहां से वो बाहर की तरफ आएगा। बाहर क्यों आएगा? बिकॉज एक्स्ट्रा सेलुलरली जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन है बिकॉज ऑफ द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। ओके, दस इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि जब आप फ्रीज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, स्पर्म सेल्स आर डैमेज्ड बाय द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। समझ रहे हैं बात को? यानी फ्रीजिंग, अगर आप रैपिड फ्रीजिंग करेंगे तो स्पर्म सेल्स डैमेज हो सकते हैं बाय द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, क्योंकि सारा पानी बाहर चला आएगा, ठीक है। एंड इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है। और जो अंदर की तरफ अगर पानी ज्यादा चलाएगा और रैपिड फ्रीजिंग की, तो अंदर की तरफ आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे एंड दे विल लीड टू द इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। और बाहर क्या होगा? हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉरी, इनसाइड द सेल हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन बन जाएगी, यानी सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो गई, सेल के अंदर आइस क्रिस्टल्स भी बन गए, तो इससे क्या होगा? इससे सेल को नुकसान होगा। आइए थोड़ा इसको देखते हैं, आगे जब आप इसको डिस्कस करेंगे तो आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो फास्ट फ्रीजिंग टू रैपिड फ्रीजिंग में काज स्पर्म डैमेज ड्यू टू इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब आप पूछेंगे, सर ये कैसे हो रहा है? चलो फास्ट फ्रीजिंग मान लिया स्पर्म को डैमेज करेगी क्योंकि अंदर क्रिस्टल बनेंगे, बट द क्वेश्चन इज दिस कि क्रिस्टल क्यों बनेंगे? आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज ड्यूरिंग फास्ट फ्रीजिंग व्हेन यू आर फ्रीजिंग द सीमन एट अ हायर स्पीड एट हायर वेलोसिटी, देन इन दैट केस देर विल बी अ वेरी लिटिल टाइम फॉर द वाटर मॉलिक्यूल टू एस्केप आउट ऑफ द सेल। समझ रहे? यानी जब आप रैपिड फ्रीजिंग करेंगे, टू रैपिड फ्रीजिंग करेंगे, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा बाहर भागने का, और जब वो बाहर भाग नहीं सकेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? दे मे लीड टू द इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो अंदर इंट्रासेलुलर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बन जाएगी। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने का टाइम मिलता, सेल के बाहर आ जाते थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, तो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता। लेकिन इन दिस केस आप फ्रीजिंग को रैपिड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स टू गेट एस्केप। यानी सिंपली बात करें कि पानी के मॉलिक्यूल्स को भागने का, अंदर से बाहर की तरफ भागने का टाइम ही नहीं मिल रहा। जब टाइम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? That may lead to intracellular ice crystal formation. Is it okay? अच्छा, अब देखते हैं, अगर ये तो हो गया, लेकिन अगर आप टू स्लो फ्रीजिंग करें तो फिर क्या होगा? उससे भी स्पम डैमेज होगा बाय सॉल्यूशन फिट। अब आप पूछेंगे, चलो सर वो तो समझ लिया कि जब रैपिड फ्रीजिंग करेंगे तो स्पम डैमेज होंगे क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स को बाहर भागने का टाइम नहीं मिला, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? वेरी सिंपल, जब टू स्लो फ्रीजिंग करेंगे तो अब पानी के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा टाइम मिलेगा, स्पम सेल्स गेट इनफ
enough time for the water movement. समझ रहे हैं? Now in this case, sperm cell जो है, वहाँ पर sperm cells को time कम मिल रहा था, पानी को time कम मिल रहा था कि अंदर से वो बाहर की तरफ भागी, लेकिन यहाँ पर in case of too slow freezing, sperm cells get enough time for the water movement to escape. ठीक है? In this case, यानी कि slow freezing वाले केस में बड़ी क्या हो रहा है? Sperm cells को ज्यादा time मिल रहा है. ठीक है? Enough time, sperm cells get enough time for the water movement from inside to outside. यानी आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज कर रहे हैं. अब जितना भी पानी होगा सेल के अंदर वो सारा बाहर. Is it okay? Because there is much more time. Because the sperm cell get enough time. अब जब ज्यादा टाइम मिला तो ज्यादा से ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर भागेंगे बाहर भागेंगे. और जब ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल बाहर भागेंगे तो क्या होगा? That results in high solute concentration inside the cell. जब सारा पानी बाहर आ गया तो अंदर solute की concentration ज्यादा हो जाएगी. जब अंदर solute की concentration ज्यादा हो जाएगी, अंदर मतलब cell के अंदर, यानी cell कौन सा है? Sperm cell. जब अंदर solute की concentration बढ़ गई तो बेटा क्या होगा? That may lead to the solution effect. और ये solution effect क्या करेगा? Solution effect sperm को damage करेगा. लेकिन याद रखें कि in this case small amount of intracellular ice crystals are formed inside. क्यों? क्योंकि पानी तो सारा बाहर बह गया, पानी को तो आपने time दे दिया, पानी तो भाग गया बाहर. समझ रहे हैं? Is it okay? पानी सारा बह गया बाहर, तो अंदर ice crystals थोड़े बनेंगे, लेकिन solute की concentration ज्यादा होगी, जिससे solution effect होगा और sperm जो है वो damage होंगे. Is it okay? Great. तो इससे हमने ये समझा कि स्पर्म की जो सर्वाइवल है, स्पर्म की जो फिजियोलॉजिकल है, या स्पर्म जो प्रिंसिपल ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन है, वो डिपेंड करता है अपॉन द ऑप्टिमम कूलिंग रेट. ऑप्टिमम कूलिंग रेट आपने देना है, आइडियल कूलिंग रेट. उससे क्या होगा? लेस इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन होगी, लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इंट्रासेल्युलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बनेगी, और लेस श्रिंकेज ऑफ द सेल होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा ठीक से ठीक क्रायोप्रिजर्वेशन जो है वो होगी. इज इट ओके? और स्पर्म्स जो है वो डैमेज कम होंगे. सो बाबा थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, वेरी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, थैंक्स अ लॉट, स्टे बेस्ट, हैव अ नाइस डे.